एवरीवन, मेरा नाम है फैजान, स्वागत है आपका कैन आई टी यू में। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इमेज और टाइप्स ऑफ इमेज के बारे में पढ़ा था, आज के इस लेक्चर में हम लोग मिरर और टाइप्स ऑफ मिरर के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप बोर्ड पर नोट्स देख पा रहे हैं, इसी नोट्स के अकॉर्डिंग हम लोग अपनी स्टडी को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नोट्स की तरफ। जैसा कि आप बोर्ड पर हेडिंग देख पा रहेंगे, गोली दर्पण यानी कि स्फेरिकल मिरर, इसे पढ़ेंगे और इनके हम लोग टाइप्स देखेंगे कितने टाइप्स के होते हैं। तो चलिए देखते हैं, गोली दर्पण किसे कहते हैं। गोली दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, जिसके एक तल पर लाल ऑक्साइड का पेंट तथा दूसरा तल परावर्तक तल होता है। इसे हम लोगों ने वैज्ञानिक भाषा में तो समझ लिया है, क्या हम लोग इसे फील कर पा रहे हैं? मुझे नहीं लगता है कि अभी हम लोग इसे फील भी कर पा रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले फिगर बनाकर देखेंगे और इसे महसूस करने की कोशिश करेंगे कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, कह रहे हैं गोली दर्पण जो है कांच के खोखले गोले का एक हिस्सा होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक कांच का खोखला गोला बना ले रहेंगे। देखिए इस तरह से कांच का एक खोखला गोला बना लिया है, आप इसे इमेजिन कर लें, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये कांच का खोखला गोला इसे हम लोग ने मान लिया है। कह रहे हैं अब इसे इसका एक कटा हुआ भाग होता है ना, कटा हुआ भाग होता है, खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, जिसके एक तल पर लाल ऑक्साइड का पेंट तथा दूसरा तल परावर्तक तल होता है। तो देखिए हम लोगों ने क्या किया, ये कांच का खोखला गोला था, इसमें हम लोग ये बोल रहे हैं कि एक तल पर लाल ऑक्साइड का पेंट था, तो हम लोग अंदर की ओर लाल ऑक्साइड का पेंट कर दें या बाहर की ओर कर दें। मुझे लग रहा है कि पहले बाहर की ओर कर लेना चाहिए, तो मैं बाहर की ओर कर लेता हूँ। देखिए इस तरह से मैं पेंट कर रहा हूँ, देखें इस तरह से हम लोगों ने पेंट कर लिया, बाहर की ओर से कांच के खोखले गोले पर पेंट कर लिया, जबकि अंदरूनी जो भीतरी तल है वो क्या है, चिकना है, एकदम चिकना है। तो देखिए बोल रहे थे कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, पहले ही हम लोग इसे काट चुके हैं यहाँ से। तो ये क्या है, कांच के खोखले गोले का एक हिस्सा हम लोगों ने काट लिया है और पहले से ही इस पर परत थी लाल ऑक्साइड की परत चढ़ी हुई है इस पर, और हम लोग ने इसे काट लिया है। अब हम लोग चाहें तो इसे मिटा सकते हैं, लेकिन आप एक बार और इसे देखें ताकि अच्छे से इसे फील कर सकें। गोली दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, देखिए ये पूरा गोला था, हम लोगों ने इतना हिस्सा काट लिया। अब इसे क्या कहेंगे, गोली दर्पण, जितने हिस्से को हम लोगों ने काट लिया है इस हिस्से को इसे क्या कहते हैं, गोली दर्पण। आप इसे जो ऑप्टिकल्स की दुकान होती है उसे भी देख सकते, वहां पर भी देख सकते हैं, आसानी से मिल जाता है। तो पहले हम लोग इसे देखते हैं, लाल ऑक्साइड का पेंट चढ़ा हुआ है बाहर की ओर से और अंदर का तल देखिए चिकना है। अब हम लोग के लिए ये किसी काम का नहीं है, तो इसे क्या करते हैं, मिटार लेते हैं। देखिए एक बार फिर से, गोली दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, देखिए हम लोगों ने पूरा गोला था उसमें से इतना हिस्सा काट कर बाहर निकाल लिया और जो वाला हिस्सा था उसे लेकर कहीं और चले गए, हम लोगों ने मिटार दिया, लेकिन आप समझ लीजिए कि इसको हटा दिया गया, ठीक है। तो उसे हटा दिया गया है और ये वाला भाग हम लोगों ने निकाल लिया, क्योंकि यही हमारे काम का होता है। जिसके एक तल पर देखिए लाल ऑक्साइड का पेंट है और दूसरी तरफ चिकना तल है, जिसको चिकने तल को हम लोग क्या कह रहे हैं, परावर्तक तल। परावर्तक तल किसे कहते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं परावर्तन हम लोग पढ़ चुके हैं, जिस तल से परावर्तन हो जाता है तो उसे, या इस तल से यहाँ पर परावर्तन हो जाएगा, इसलिए इसे क्या कह रहे हैं, परावर्तक तल कह रहे हैं। और परावर्तन हम लोग पढ़ चुके हैं, देखें एक बार रिवीजन हो जाएगा आपका, जब कोई लाइट किसी भी समतल पर पड़ती है तो उसी मीडियम में वापस चली जाती है, इसे हम लोग परावर्तन कह रहे थे। तो आगे इस चिकने तल से परावर्तन होगा, फिलहाल आप इतना समझ लें गोली दर्पण किसे कहते हैं। आई होप आपको गोली दर्पण अच्छे से समझ में आ गया होगा। गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं जैसा कि हम लोगों ने देखा। अब हम लोग टाइप्स ऑफ मिरर के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि मिरर के प्रकार के बारे में, उसी में हम लोग देखेंगे कि मिरर कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए देखते हैं, अवतल दर्पण होते हैं और उत्तल दर्पण होते हैं। तो चलिए हम लोग अवतल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये अच्छे से फील हो गया होगा, नहीं हुआ है तो प्लीज़ वीडियो को रिवाइंड करें और एक बार फिर से देखें। तो चलिए अवतल दर्पण के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। और हाँ एक बात और, इस नोट्स को आप अच्छे से कॉपी में नोट कर लें, इन्हें आप हाई स्कूल और इंटर में भी यूज़ कर सकते हैं, ये आसान भी हैं, ठीक है। तो
तो चलिए देखते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण वह दर्पण है जिसमें परावर्तन भीतरी तल से होता है। तो चलिए देखिए क्या कह रहे हैं, अवतल दर्पण किसे कहते हैं। अवतल दर्पण वह दर्पण होता है जिसमें परावर्तन भीतरी तल से होता है। जैसे कि हम लोगों ने देखा, देखिए हम लोगों ने गोला बनाया था और उस पर बाहर से पेंट कर दिया था, तो पेंट करा हुआ हिस्सा जो है, जो पेंट के दूसरी ओर हिस्सा था वो चिकना तल था, वहां से क्या हो रहा था, परावर्तन हो जा रहा था। ठीक है, उसी तरह से देखिए अवतल दर्पण में कह रहे हैं, अवतल दर्पण वह दर्पण है जिसमें परावर्तन भीतरी तल से होगा। तो देखिए एक गोला काटा हम लोगों ने जिसमें बाहर की ओर देखिए लाल ऑक्साइड का पेंट चढ़ा हुआ है और भीतरी तल क्या है, चिकना है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह से हम लोगों ने समझा था। आगे की बात आगे करेंगे, फिलहाल इतना देखते रहेंगे। तो क्या कह रहे हैं, अवतल दर्पण वह दर्पण है जिसमें परावर्तन भीतरी तल से होता है। अब परावर्तन क्या होता है, एक बार हम लोग इसे करके देख लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर एफ और सी देख पा रहे हैं, एफ मीन्स होता है फोकस और सी मीन्स होता है वक्रता केंद्र। तो हम लोग अभी इसके बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे, आप इससे अननोन रहिए, आगे इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं जस्ट इसके बाद। ठीक है, तो सिर्फ इतना समझिए परावर्तन कैसे क्या हो रहा है। यहाँ पर अवतल दर्पण हम लोगों को समझना है तो सिर्फ अवतल दर्पण के ही बारे में बात करेंगे। अवतल दर्पण वह दर्पण है जिसमें परावर्तन भीतरी तल से होता है। देखिए इधर कोई मान लीजिए लाइट होगी जिससे प्रकाश की किरणें जा रही हैं, इधर से प्रकाश की किरणें जा रही हैं, देखिए इस तरह से और इस तरह से जाएंगी। अब ये टकराकर आप बताएंगे किधर और किस ओर मुड़ने वाली है ये लाइट, चिकने तल पर गिर रही है तो लाइट जाहिर सी बात है परावर्तन होगा यहाँ पर, तो परावर्तन होगा तो लाइट किस ओर जाएगी, इस ओर चली जाएगी या इस ओर आएगी। देखिए आप इस तरह से मुड़ा हुआ है ये गोली दर्पण, तो एंगल इस ओर बन रहा है हमारी तरफ, तो लाइट किस तरफ जाएगी, इस तरफ आ जाएगी, अपनी ही तरफ आएगी। ठीक है, और दूसरी लाइट मान लीजिए इधर से जा रही है, वो किधर से जाएगी, वो भी एंगल इस ओर बन रहा है, ऊपर की साइड देखिए इस तरफ ऊपर की ओर, तो लाइट इस तरह निकल जाएगी। ठीक है, अभी आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि भीतरी तल से परावर्तन होता है, मैंने करके दिखा दिया, देखिए सिर्फ और सिर्फ आप इतना समझिए, अभी आपके लिए इतना ही है और आगे हम लोग इसे डीपली पढ़ने वाले हैं। तो सिर्फ इतना समझिए कि अवतल दर्पण में क्या हो रहा है। अभी हम लोग कन्वर्जिंग मिरर और डाइवर्जिंग मिरर यानी कि अभिसारी और अपसारी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, तो उसमें इसे बहुत अच्छे ढंग से पढ़ने वाले हैं। तो बस अभी आप अवतल दर्पण के बारे में ही सोचिए। अवतल दर्पण वह दर्पण है जिसमें परावर्तन भीतरी तल से होता है। ये देखिए भीतरी तल है यानी अंदरूनी भाग, गोला इस तरह से होगा और उसका अंदरूनी भाग है, आप फील कर पा रहे होंगे इसे, ये गोले का हिस्सा है और ये वाला जो परावर्तक तल है चिकना है और ये भीतर का अंदर का तल है ना। बहुत अच्छे, आप इसे अच्छे से समझ ले रहेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं, यहाँ से परावर्तन हुआ और जिस बिंदु से जारी उसे फोकस कहते हैं, लेकिन हम लोग अभी फोकस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे। आई होप आपको अवतल दर्पण अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग उत्तल दर्पण की तरफ। देखिए उत्तल दर्पण को कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। आप हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखेंगे हेडिंग में, तब आपको अच्छे नंबर मिलेंगे और एग्जामिनर आपसे इम्प्रेस होगा। तो चलिए देखते हैं, उत्तल दर्पण वह दर्पण है जिसमें परावर्तन बाहरी तल से होता है। देखिए इसका उल्टा, जस्ट उल्टा बोल रहे हैं। एक बार हम लोग फिर से गोला बनाएंगे, देखिए इस तरह से एक बार गोला बनाया हम लोगों ने, फिर से मार्कर चेंज कर लेते हैं। ये देखिए गोला बनाया है, कह रहेंगे कि इसमें जो है बाहरी तल से होता है परावर्तन, तो हम लोग क्या समझें इससे, गोले से। देखिए गोले से हम लोग ये समझने वाले हैं कि बाहरी तल यानी कि कॉन्वेक्स मिरर किस तरह से मिल रहा है, हम लोग क्या किस तरह से काटे कि कॉन्वेक्स मिरर मिले। देखिए इसमें क्या होगा, अंदर से अवतल दर्पण हम लोग को कब मिल रहा था, जब बाहर से पॉलिश था, पॉलिश यानी कि रेड ऑक्साइड की लेयर चढ़ी हुई थी। अब इस पर देखिए अंदर से ये पेंटेड है ना, अंदर से पेंटेड है। अब इसमें से हम लोग काट के निकाल ले रहे हैं, जिस तरह से देखिए, जिस तरह से बोल रहे हैं हमसे उसी तरह काम करने वाले हैं। कह रहे हैं गोली दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। ये कांच का खोखला गोला है और अंदर से पेंटेड है, लाल ऑक्साइड का पेंट चढ़ा हुआ है। ठीक है, अंदर से पेंटेड है, हम लोगों ने क्या किया, इस तरह से काट लिया और अब ये हमारे कोई काम का नहीं है, तो इसे मिटा देंगे। देखिए इसे मिटा देते हैं। अब देखिए ये लाल ऑक्साइड की पेंट जो है अंदर की ओर है और जो बाहरी है उसे परावर्तक तल कह रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें
ये कौन सा है? अवतल दर्पण है, यहाँ पर लिख लेते हैं अवतल दर्पण, अभी मैं लिख दूंगा। यहाँ पर एक और लाइट रे गुजारनी है तो हम लोग इसे भी छोड़ देते हैं। ये देखिए अवतल दर्पण में क्या था, बाहर की ओर क्या है पेंटेड है और अंदर की ओर क्या है परावर्तक तल है, जबकि इसमें देखिए बाहर अंदर की ओर पेंटेड है और बाहर की ओर रिफ्लेक्टेड पोर्शन है। देखिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, उसी तरह देखिए ये किस गोले का कटा हुआ भाग है जो अंदर से पेंटेड था, उसे हम लोग क्या कह रहे हैं, जो अंदर से पेंटेड होगा बाहर से रिफ्लेक्टेड प्लेन होगा उसको हम लोग कॉन्वेक्स मिरर कह रहे हैं। तो देखिए इस तरह से लाइट रे जाएगी, सॉरी ये थोड़ा सा बेंट हो गई है, लाइट रे एकदम सीधी जानी चाहिए, इस तरह से एकदम सीधी जाएगी, पैरेलल जाएगी एकदम मुख्य अक्ष के, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के एकदम पैरेलल जानी चाहिए। अभी हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में भी पढ़ेंगे तो आप पेशेंस बनाए रखिए। देखिए आगे हम लोग क्या करते हैं, जब लाइट रे पड़ेगी इस तरफ, देखिए इस बार इस तरह से है यानी कि एंगल कुछ ऊपर की ओर जा रहा है, तो लाइट रे किस तरह से जाएगी, इस तरह से निकल जाएगी, और दूसरी लाइट रे देखिए जाएगी तो इस तरह से आएगी, और ये देखिए इस तरह से इधर से लाइट रे, मान लेते हैं कुछ इधर लाइट सोर्स है जिससे लाइट रे जा रही है, प्रकाश की किरणें जा रही हैं और दर्पण से टकराकर, देखिए ये दर्पण है, कौन सा दर्पण है, कॉन्वेक्स मिरर यानी कि उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण से लाइट टकराकर वापस जा रही है। उत्तल दर्पण की खासियत क्या होती है, अंदर से पेंटेड होता है और बाहर से क्या होता है परावर्तक तल होता है, इस तरह से जाती हैं और लाइट रे क्या लगता है कि फोकस की ओर मिल रही हैं। अब आप एक बार फिर इससे अनजान रह जाएंगे क्यों, लेकिन हम लोग इसे आगे पढ़ने वाले हैं तो फिलहाल आप पेशेंस बनाए रखें। आई होप आपको कॉन्वेक्स मिरर भी आ गया होगा, लेकिन एक बार और इसे थोड़ा देखते हैं। उत्तल दर्पण वह दर्पण है जिसमें परावर्तन बाहरी तल से होता है, देखिए ये बाहरी तल है परावर्तक तल है, यहाँ से क्या होगा परावर्तन होगा, लाइट रे यहाँ से गई और इस तरह से निकल गई। आई होप कि आपको अवतल दर्पण उत्तल दर्पण और गोलीय दर्पण क्लियर हो गए होंगे, जैसा कि समतल दर्पण हम लोग पहले ही पढ़ चुके होंगे। तो अब हम लोग मिरर की प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, फोकस किसे कहते हैं, दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज देखते हैंगे, और हाँ इस नोट्स को आप ज़रूर से ज़रूर अपनी कॉपी में नोट करें ताकि अच्छे से और आसानी से सारी स्टडीज़ कर सकें और एग्ज़ाम टाइम पे अच्छे से रिवीजन कर सकें। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पर हम लोग साइंस का पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं टेंथ का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो हम लोग मिरर की प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग अपने नोट्स को पढ़ेंगे, उसी नोट्स के अकॉर्डिंग हम लोग फील करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखें, जैसे बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है मिरर, यानी कि मिरर की प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर और सेंटर ऑफ कर्वेचर लिखा हुआ है, तो इसे हम लोग पढ़ेंगे। देखें उस गोले का केंद्र जिसका दर्पण एक भाग है, इस तरह से हमें कुछ फील होने वाला नहीं है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे गोला और सेंटर यानी कि केंद्र और गोले के बारे में पढ़ेंगे, त्रिज्या के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा जान लेते हैं त्रिज्या और केंद्र किसे कहते हैं। देखिए एक गोला है जिसमें मध्य बिंदु को, गोले के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं हम लोग, केंद्र कहते हैं और इसे सी से रिप्रेजेंट करते हैं। आप इसे मोटा मोटा समझ लें थोड़ा, गोले के मध्य बिंदु को केंद्र कहते हैंगे और रेडियस किसे कहते हैंगे, एक नियत बिंदु से मध्य बिंदु के बीच की दूरी, किसे कहते हैं, एक नियत बिंदु से सेंटर के बीच की दूरी को रेडियस कहते हैं और इसे हम लोग स्मॉल आर या कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लोग स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन आज हम लोग अभी इस वक्त सिर्फ और सिर्फ कैपिटल आर से प्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखिए उस गोले का केंद्र, अब हम लोग इसे पढ़ेंगे, उस गोले का केंद्र जिसका दर्पण एक भाग है, दर्पण एक भाग है, वक्रता केंद्र कहते हैं, किसे कहना चाह रहे हैं, देखिए अब इसी को हम लोग समझ लेंगे। मान लीजिए ये कांच का एक खोखला गोला है और ये बाहर से पेंटेड है, देखिए इसे पेंट कर रहेंगे, बाहर की ओर से ये पेंटेड है और देखिए कह रहे हैं उस गोले का केंद्र। अब मान लीजिए
इसे हम लोग काट लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा अपना, गोलीय दर्पण बन जाएगा, है ना। और कौन सा बनेगा, अवतल दर्पण बनेगा। तो अगर इसका केंद्र पहले काटने से पहले इसका केंद्र सी यहाँ पर था, ठीक है, अगर काटने से पहले इसका केंद्र सी यहाँ पर था तो काटने के बाद क्या इसका केंद्र चेंज हो जाएगा। ये मिरर का केंद्र ये था, अगर इसका इसे काट दिया जाए तो क्या इसका केंद्र चेंज हो जाएगा, बिल्कुल भी केंद्र इसका चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है, इसका केंद्र यही बरकरार रहेगा। अब इसे अगर हम लोग हटा भी देते हैं तो इसका केंद्र यही रहेगा, देखिए इसे हटा दें, और अगर इसे हम लोग यहाँ से मूव करके कहीं दूसरी पोजीशन पर ले जाएं, इधर ले जाएं या इधर ले जाएं या उठाकर कहीं और भी ले जा सकते हैं, तब भी ये इसका केंद्र यही रहेगा, सी केंद्र रहेगा इसका, ठीक है। तो इसी को कह रहे हैं, जैसे मान लीजिए इस गोले को हम लोग काट रहे हैं तो उस गोले का केंद्र जिसको हम लोग काट रहे हैंगे, उस गोले का केंद्र जिसका दर्पण एक भाग है, यानी इसे मान लें आप ये किसी दर्पण का भाग है, तो जब ये पहले गोला था तब किसी कोई केंद्र था ना इसका, तब उसी केंद्र को इसका भी केंद्र कहेंगे, ठीक है, उस गोले का केंद्र जिसका दर्पण एक भाग था, तो आप इतना समझ गएंगे, इसे वक्रता केंद्र कहेंगे। दर्पण के केंद्र को हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। आगे देखिए, यह अवतल दर्पण में परावर्तक तल की ओर होता है। अब इसी को हम लोग अवतल दर्पण कह रहे हैं। तो देखिए बाहर से पेंटेड है और अंदर से चिकना तल है, जहाँ से परावर्तन हो सकता है, तो इसे क्या कह रहे हैं हम लोग, परावर्तक तल। देखिए अभी हम लोगों ने इस तरह से पढ़ा था ये वाली प्रॉपर्टीज, आगे भी हम लोग इसे पढ़ने वाले होंगे, तो अभी इतना ही समझ लेते हैं। अंदर का तल क्या होता है, परावर्तक तल होता है, जहाँ पर चिकना तल होता है उसे हम लोग परावर्तक तल कहते हैं। परावर्तक तल की ओर होता है केंद्र, देखिए परावर्तक तल की ओर है। अब कॉन्वेक्स मिरर देख लेते हैं, इसे मिटारेंगे, आप चाहें तो नोट्स कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ये देखिए ये क्या है, गोले का कटा हुआ भाग है और कॉन्वेक्स मिरर बनाना चाहते हैं हम लोग इसे, तो क्या करेंगे, बाहर से पेंट कर देंगे, बाहर से पेंट कर देंगे, बिल्कुल गलत, अंदर से पेंट कर देते हैंगे। और बाहर का हिस्सा क्या होता है, बाहर का हिस्सा परावर्तक तल होता है, चिकना तल होता है, और कॉन्केव मिरर यानी कि अवतल दर्पण में क्या होता है, अंदर का तल जो है चिकना होता है और बाहर का तल जो है पॉलिश्ड होता है। तो देखिए इसमें क्या है, अंदर का तल पॉलिश्ड है और बाहर का तल चिकना है, तो ये कौन सा मिरर हो गया, कॉन्वेक्स मिरर हो गया। और जिस तरफ देखिए गोला इस तरह बनता है, तो गोले का केंद्र कहाँ पर होता है, मध्य बिंदु होता है गोले का, तो इसका केंद्र किधर होगा, परावर्तक तल की दूसरी ओर, क्योंकि गोला तो उस तरफ फेस हो रहा है। गोला किस तरफ बनेगा, इस तरफ बनेगा, तो केंद्र किधर होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए। तो वही बात देखिए ये बता रहे हैं, अवतल दर्पण में परावर्तक तल की ओर होता है। पहले देखिए बाहर से पेंट था ये, तो ये अवतल दर्पण था और केंद्र कहाँ पर था, यहाँ पर केंद्र था अवतल दर्पण का, अवतल दर्पण में परावर्तक तल की ओर केंद्र बन रहा है, ये देखिए सी। जबकि उत्तल दर्पण में देखिए जिस तरफ गोले का मुंह होगा उसी तरफ केंद्र होता है, तो केंद्र यहाँ पर होगा, तो यही बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए उत्तल दर्पण में परावर्तक तल की दूसरी ओर होता है, ये परावर्तक तल है और केंद्र इसके दूसरी ओर होगा, परावर्तक तल और दूसरी ओर, इतना समझ गए आप। और हम लोग वक्रता केंद्र को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये अच्छे से याद रखें। अभी हम लोग जब पढ़ रहे थे इसे मिटा दे रहे हैं, अभी जब हम लोग ने पढ़ा था तो देखा ये इस तरह से हम लोगों ने मिरर बनाया हुआ था, अवतल दर्पण था और यहाँ पर केंद्र था, इस तरह से हम लोगों ने केंद्र बनाया था और ये एफ बनाया था, लाइट आ रही थी एफ से निकल रही थी, एफ यहाँ पर कर लेते हैं हम लोग, सी बना था, तो आप सी समझ गए। अभी हम लोग एफ के बारे में भी बात करेंगे, सी किसे कहते हैं, उस गोले का केंद्र, जैसे ये दर्पण है किसी गोले का ही तो भाग है, इसका जो केंद्र था वही इस दर्पण का केंद्र बना रहेगा। आगे हम लोग फोकस की बात करेंगे, फोकस किसे कहते हैं। अब आगे देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर किसे कहते हैं, सबसे पहले ये जानेंगे, उसके बाद ध्रुव की ध्रुव पर बात करने वाले हैं। तो इसे मिटा दे रहे हैं, आप सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ गए किसे कहते हैं एकदम अच्छे से। चाहें तो आप इसे एक बार फिर से मार्कर बदलते हैं, ये देखिए ये क्या है, ये अवतल दर्पण है, इसमें देखिए सी किस ओर है, परावर्तक तल की ओर है,
कॉनकेव मिरर लिख लें से चाहे तो, कॉनकेव मिरर, ठीक है। और ये वाला क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, पेंट जो है अंदर की ओर होता है भीतरी तल पर, और बाहरी तल क्या होता है, परावर्तक तल होता है। इसे क्या लिखेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। ये क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है, और ये क्या है, कॉनकेव मिरर। एक बार फिर से देख लें, कॉनकेव मिरर में बाहर की ओर पॉलिश्ड होता है और भीतरी तल क्या होता है, रिफ्लेक्टेड प्लेन होता है, यानी कि परावर्तक तल होता है। और ये देखिए, इसमें कॉन्वेक्स मिरर में भीतरी तल पॉलिश्ड होता है जबकि बाहरी तल क्या होता है, रिफ्लेक्टेड प्लेन होता है, परावर्तक तल होता है। इतना आप समझ गएंगे। आगे बढ़ते हैं, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। उस गोले की त्रिज्या जिसका दर्पण एक कटा हुआ भाग है। जैसे कि अभी हम लोगों ने समझा था यहाँ पर, जैसे ये क्या है, त्रिज्या है। अगर काट दें हम लोग इतना हिस्सा, जैसे काट रहे थे और सी बना रहे थे, तो जो इसकी त्रिज्या बनी रहेगी वही इसकी भी बनी रहेगी, ठीक है। केंद्र और नियत बिंदु से केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं हम लोग, रेडियस कहते हैं। उसी तरह देखिए, उस गोले की त्रिज्या जिसका दर्पण एक कटा हुआ भाग था, दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ये केंद्र था सी, को हम लोग केंद्र समझ चुके हैं, किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। अगर वक्रता केंद्र है, अपने पास सेंटर है किसी गोले का, तो हम लोग रेडियस तो बना सकते हैं ना। जिस सेंटर से क्या करेंगे, उस पॉइंट को मिला देंगे जहां से हम लोग सेंटर ले रहे हैं, तो उस पॉइंट यानी कि नियत दूरी और सेंटर के बीच की दूरी क्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है। तो यही रेडियस कहलाएगी, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखिए, उस गोले की त्रिज्या जिसका दर्पण एक कटा हुआ भाग है, ये दर्पण जिसका कटा हुआ भाग है उसी गोले की त्रिज्या भी इसकी त्रिज्या कहलाएगी। जिसका ये दर्पण कटा हुआ भाग है उसी गोले की त्रिज्या इसकी भी त्रिज्या कहलाएगी, और उसी का सेंटर भी तो इसी का सेंटर कहला रहेगा, ठीक है। इतना आप समझ गएंगे, दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है, और इसे आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये मैं लिखना भूल गया हूँ, आप नोट कर ले, मैं बोल रहा हूँ वक्रता त्रिज्या को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखेंगे दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं। देखिये, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ये क्या है, दर्पण है, कौन सा दर्पण है, कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर में पहले तो ये क्या करें, दर्पण के परावर्तक तल, ये परावर्तक तल है अपना, और दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, यानी कि कोई दर्पण है अपने पास, उसके मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, कोई भी दर्पण होगा उसके मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, पोल कहते हैं, ठीक है। इसे हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं। एक बार फिर से मैं लिखना भूल गया हूँ, यहाँ पर आप लिख लेंगे, दर्पण के ध्रुव को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसे इंग्लिश में पोल कहते हैं। तो हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया, रेडियस ऑफ कर्वेचर सीख लिया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर सीख लिया है, और ध्रुव। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए हम लोग आज के लेक्चर यहीं पर ख़त्म करेंगे। आगे फोकस और अपर्चर के बारे में भी बात करेंगे, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग कैन आई टीच यू, और इस नोट्स को ज़रूर अपनी कॉपी में नोट करें। थैंक यू अगेन।